चाणक्य जी कहे थे कि जिस देश का राजा व्यापारी हो जाएगा ना, उस देश का प्रजा स्वतः ही भिखारी हो जाएगा। तो भैया अब हम भिखारी नहीं होंगे, या तो तू हटो या हम हटाने आ रहे हैं। ठीक है कि एलईडिया पर ही भाषण दे रहे हैं, इन्हीं का लोग जो अंधभक्त है जो तालियां बजा रहा है, आम जनता के बीच जाएंगे ना तो टूटल का चप्पल रख ले हैं उनका स्वागत करे के लिए। तो उनका बढ़िया स्वागत होगा इस बार। बहुत बहुत हो गया खेल, त्राही त्राही कर रहा है जनता, तो हमारा मजबूरी होगा कि हम जनता के सहयोग से सरकार का चूल हिला देंगे। जिंदा कौम 5 साल इंतजार नहीं करता है। हम राम मनोहर लोहिया जी के सिद्धांत को मानने वाले लोग, समाजवादी लोग हैं। आवश्यकता पड़ा तो जेल भर देंगे, लेकिन बिजली का दम्मा तो एक ऐसे कम करवाइबे करेंगे और माफ़ करवाएंगे। निंदा 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 कह कह करके कितनी बार आप बहु बेटियों की इज्जतों के साथ अपमान करेंगे और उसको निंदा कह करके तीसरी करने का काम बताइए। कितना दर्द है सीने में। आज अगर उत्तर प्रदेश में अगर कहीं बीमारियों का सही उचित इलाज अगर थोड़ा बहुत हो भी पा रहा है ना, तो परम आदरणीय अखिलेश यादव जी का देन है जो 108 एम्बुलेंस दिए। चाहे हम बात करना चाहे आजमगढ़ से, चाहे हम बात करें कानपुर से, या अन्य किसी भी जिले की बात करें, खासकर दलित बहन बेटियों के साथ हुए उत्पीड़न का मामला हो, या अन्य किसी जाति की या धर्म की बहन बेटियों के साथ उत्पीड़न का मामला हो, देखा यह जाता है कि जितना भी निंदा की जाए वो कम होता है। आखिर क्यों इस तरीके की जो पीड़नाएं सामने आती हैं दलितों के साथ में, क्यों किया जाता है ऐसा? देखिए वास्तविकता तो यह है कि इस पर अब निंदा करने से भी जो है ना, अब जुबान लड़खड़ाने लगा है। निंदा 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 कह कह करके कितनी बार आप बहु बेटियों की इज्जतों के साथ अपमान करेंगे और उसको निंदा कह करके तीसरी करने का काम करेंगे। जो वर्तमान में हमारे प्रदेश में सरकार है, ये सरकार अब मोदी जी जब चुनाव आया विधानसभा का, तो एक बार भी न देश के प्रधानमंत्री मोदी जी न भाजपा का कोई आदमी विकास के मुद्दा पर जनता के बीच अपना वोट मांगने का काम किया। सिर्फ हिंदू मुस्लिम एस्लेटर ये वो करा करके हमारे दलित भाइयों को, पिछड़ों भाइयों को बहका करके हिंदू करके उनको अपनी तरफ डाइवर्ट करने का काम किया। और उसी का नतीजा है आज कि ये वो सामंतवादी सोच की पार्टी है, ये जो पार्टी है ना, मेरा मानना, अपना पर्सनल मानना है कि सामंतवादी हर वो व्यक्ति है जो अपने से कमजोर को दबाता है, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म में रहने वाला व्यक्ति हो। तो ये वो लोग हैं, इनका सोच ही सामंतवादी है, और सिर्फ वोट के टाइम में जो है दलित भाइयों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। अब वास्तविकता तो ये है कि दलित पिछड़ा का नेता अगर कोई है तो समाजवादी लोग हैं, और समाजवादी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी हैं। अच्छा, यूपी के बलरामपुर में एक मामला सामने आया है जिसमें अधेड़ सौ जो पड़ा हुआ है जी, तो कूड़े के गाड़ी में ले जाया। बताइए कितना दर्द है सीने में। आज अगर उत्तर प्रदेश में अगर कहीं बीमारियों का सही उचित इलाज अगर थोड़ा बहुत हो भी पा रहा है ना, तो परम आदरणीय अखिलेश यादव जी का देन है जो 108 एम्बुलेंस दिए। चाहे वो आज 112 नाम दे दिए हैं 100 का, वो भी देन हमारे अखिलेश यादव जी का है। इस सरकार कुछ करके राजी नहीं है। पता नहीं इससे बड़ा दुर्दशा क्या होगा कि आपका जो कल तक यही कहने वाला है यही लोग कि कांग्रेस के सरकार में जो है हर साले 100 लाख करोड़ रुपए का घोटाला होता था, अभी कितना का घोटाला कर रहा है कि एक महीना के लॉकडाउन में हमारा हिंदुस्तान सड़क पर नजर आ गया भाई। तो कहने का मतलब है कि साहब बड़ा विचित्र स्थिति है हमारे देश का, और देश का गरीब चाहे वो किसी भी जाति धर्म से का रहने वाला हो, अगर वो कमज़ोर है, वो गरीब है कमज़ोर है, उसका शोषण होगा, उसकी बहु बेटी का मान सम्मान जो है बचना बड़ा मुश्किल है। वो तो समाजवादी लोग ही है कि जहाँ तहाँ खुद मुकदमा खाता है, लेकिन इस सरकार के खिलाफ जो है संघर्ष कर रहा है, बिगुल फूक रहा है। और 2022 जो है हमरे है, और एगो हम आपके चैनल से मांग करना चाहते हैं, सरकार से मांग करना चाह रहे हैं हम कि देखिए लॉकडाउन हुआ, सरकार ने आदेश किया कि किरदार से भाई पैसा नहीं लेना, किरदार मकान मालिक मान लिया, इंसानियत के नाते मान लिया कि चलो नहीं लेंगे। लेकिन अब आज बताइए ये उत्तर प्रदेश सरकार जो है बिजली का बिल 8 रुपये यूनिट बढ़ा के जो है मोटा मोटा बिल भेज रहे हैं, वो मकान मालिक कहाँ से बिल भरेगा साहब? तो हम तो अभी फेसबुक के माध्यम से फेसबुक आंदोलन चलाए हुए हैं आज 2 दिन से,
और अच्छा लोग संपर्क में हमसे जुड़ भी रहे हैं। अगर सरकार नहीं माना, हम तो ज़्यादा नहीं कह रहे, कम से कम 20% सब्सिडी सरकार दे इन मकान मालिकों को। अगर नहीं देता है सरकार तो हमारा मजबूरी होगा कि हम जनता के सहयोग से सरकार का चूल हिला देंगे। जिंदा कौम 5 साल इंतजार नहीं करता है। हम राम मनोहर लोहिया जी के सिद्धांत को मानने वाले लोग, समाजवादी लोग हैं। आवश्यकता पड़ा तो जेल भर देंगे, लेकिन बिजली का दम्मा तो एक ऐसे कम करवाइबे करेंगे और माफ़ करवाएंगे। अखिलेश यादव जी ये कहते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि कोरोना से जंग जीतने की बजाय जो भाजपा की सरकार है, अब वो बंगाल और बिहार चुनाव में की चिंता में डूबती हुई नजर आ रही है। ये तो साफ है, देखे नहीं है, जब लॉकडाउन अब लॉकडाउन की जरूरत था तो ही खोल दिया, सीधे महामारी भर गया। जिस दिन 500 था उस दिन लॉकडाउन लगा दिया। तो अब जनता को राम भरोसे छोड़ दिया है कि कोरोना से लड़ो तुम, चुनाव में लड़ेंगे हम। लेकिन बिहार में जो है ना, बंगाल में दीदी, बिहार में तेजस्वी यादव, इनको कहीं टिकने नहीं देगा। कहे कि वहाँ जनता जो है इनका इंतजार कर रहा। ठीक है कि एलईडिया पर ही भाषण दे रहे हैं, इन्हीं का लोग जो अंधभक्त है जो तालियां बजा रहा है, आम जनता के बीच जाएंगे ना तो टूटल का चप्पल रख ले हैं उनका स्वागत करे के लिए। तो उनका बढ़िया स्वागत होगा इस बार। बहुत बहुत हो गया खेल, त्राही त्राही कर रहा है जनता। हिंदुस्तान में जितना भी राजनीतिक पार्टी है ना, ओकरा में सबसे घटिया अगर कोई पार्टी है तो ये भारत जलाओ पार्टी है, सबसे घटिया पार्टी है। कहे कि सब दिन से इसका सोच रहा है कि हमको कुर्सी चाहिए। पता है आपको कि जिस जो इसका संगठन है RSS, जिसको जिस जो आज ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को अपना अनुयायी मानते हैं, यही इन्होंने ही उस पर बैन लगाया था। कहे कि इनको पता था कि जो है देश में विघटन करने का काम करेगा, तोड़फोड़ करने का काम करेगा, जातिवाद उन्माद बढ़ाएगा। और 30 साल बाद ये अपना कार्यालय पर तो तिरंगा झंडा लहराया। आई राष्ट्रीयता की बात आज हम लोगों से, अगर हम इनसे कोई सवाल कर दे, जब आपको याद होगा कि जब नेताजी हमारे माननीय मुलायम सिंह यादव जी रक्षा मंत्री थे, वही चाइना था, कहाँ तक खदेड़ दिए थे, वही पाकिस्तान था, खड़ा हो करके कहे कि गोली मारो। और जब तक पाकिस्तान का बंकर तबाह न कर दिया, चाइना को पीछे नहीं फेंक दिए, तब तक हमारे नेताजी वहाँ से हटे नहीं। और आज अगर हमारे हिंदुस्तान का जो जवान है, फौज है, अगर वो मर्दांगी के साथ वहाँ लड़ रहा है ना, तो कहीं ना कहीं उसमें बहुत बड़ा प्रोत्साहन दिया गया हमारे नेताजी का है कि आज नेताजी की वजह से हमारे फौजियों का सम्मान बढ़ा है, उनका आर्थिक स्थिति मजबूत हुआ है। और उनको पता है कि हमारे रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव जी ने जो उनके लिए बहुत सारा लाभ दिया है, वो हमेशा देश के लिए अपना प्राण न्यौछावर करने तैयार होते हैं। क्या मानते हैं, जिस तरीके से देखा जा रहा है बिहार चुनाव में अमित शाह जी लगातार उपलब्धियां गिराते हुए सामने आ रहे, कह रहे हैं कि हमने CAA का लोगों का नागरिकता दी है, राम जन्मभूमि का निर्माण कराया, धारा 370 को हटाया, ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दे जो था उसको भी हटाया, उसके बाद से सफाई अभियान को लेकर के भी उपलब्धियां गिराते हुए सामने आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर वो ये भी कह रहे हैं, उपलब्धियां भी गिना रहे हैं और कह रहे हैं कि हम चुनावी मुद्दा नहीं बना रहे, उसको लेकर क्या? देखिए, पहली बात तो इनका कोई उपलब्धियां नहीं है 6 साल में। नोटबंदी रहा वो फेल रहा, GST रहा वो फेल रहा, क्या कहते हैं, सफाई के जहाँ तक बात है तो सफाई के नाम पर हजारों करोड़ रुपया ऐड दे दिए ही अपने चहेता कंपनी को। तरक्की की बात कर रहे हैं, तरक्की करते थे क्या? हमारा अपना हिंदुस्तानी भाई जो है बॉर्डर सील करके जो है भाग रहे हैं, ये तो विधायक की खरीद फरोख्त में लगल हैं, ये तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में लगल हैं, सारा सरकारी कंपनियाँ बेच दिए, अर्थव्यवस्था के एकदम जो क्या कहते हैं चौपटे करके रख दिए हैं, बेरोजगारी बढ़िया गया है, महंगाई बढ़ गया। छः साल पहले जो है 70 साल में देश इतना मजबूत कर दिया था हमारे बुजुर्ग लोग कि चाय बेचे वाला देश का प्रधानमंत्री बन गया। 6 साल पहले चाय बेचे वाला देश का प्रधानमंत्री बन गया, और आज 6 साल में ऐसा स्थिति बना दिए ये लोग साहब कि इंजीनियरिंग करे वाला जो है पकौड़ा बेचे के लिए भी सोच रहा है, उसका पकौड़ा का दुकान भी नहीं खोल रहा है। तो ये हमारे देश का तरक्की किया है ये। अच्छा, जो पिछली सरकार रही है अगर उसके कंपैरिजन किया जाए तो मोदी सरकार ने क्या क्या किया है, आप थोड़ा उसको तर्क बताइए कि जो पिछली सरकार ने किया है, यानी कि मनमोहन सिंह की जो सरकार रही है और मोदी जी की सरकार रही है, उसमें क्या क्या समानताएं देखने को मिली? देखिए, पिछली सरकार जो है मनरेगा दिया, आधार के दम पर ही चिल्ला रहे हैं, उतनी बंद कह रहे थे कि आधार की जरूरत नहीं है हमारे देश को, वन अधिकार कानून दिए, आपको शिक्षा का अधिकार दिए कि मौलिक अधिकार है भाई, भूमि अधिग्रहण कानून जो जिसके लेकर केला भट्टा पार्सल वाला घटना आपको यादें होगा, लोकपाल एक्ट लाए, खाद्य सुरक्षा कानून लाए, आई का लाए
नोटबंदी। भाइयों बहनों, आज से जो आपके पॉकेट में पैसा है ना, वो कागज का टुकड़ा हो गया। मॉब लिंचिंग देखिए रहे हैं, देश का क्या स्थिति है ना, हिंदू मुसलमान, जहाँ जो कमजोर पड़ गया उसको धर के ठोक ठाक के बराबर कर दिया। और फिर बाद में प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भाई ऐसा काम ना करो, अगर ऐसा अगर मॉब लिंचिंग करोगे तो उसे बढ़िया कि हमारे पत्थर मारो। इतना कमजोर प्रधानमंत्री जो है ना, हमारे देश को नहीं मिला था। सांप्रदायिक दंगे देखिए रहे हैं, क्या कहते हैं, फरार भगोरे उद्योगपति जो है सारा नीरव मोदी, फलाना मोदी, ढिमका मोदी, सब मोदी मोदी है, सब गुजराते के जो ब्रांड जो है ये अपना अचानक कहे हुए थे। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम राज्य के रहे वाला हैं कि बहुत बड़ा व्यापारी हैं, तो चाणक्य जी कहे थे कि जिस देश का राजा व्यापारी हो जाएगा ना, उस देश का प्रजा स्वतः ही भिखारी हो जाएगा। तो भैया अब हम भिखारी नहीं होंगे, या तो तू हटो या हम हटाने आ रहे हैं।